गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका आप सभी के सामने फिर से लेकर हाजिर हूँ आपका भोजप्रिय नेक्स्ट नाइन का खास प्रोग्राम टॉप फाइव। जी हाँ, भोजप्रिय टॉप फाइव की इस खबर में हर बार हम आपके लिए लेकर आते हैं भोजप्रिय इंडस्ट्री की वो तमाम ऐसी खबरें जो कि आपके सुपरस्टार और उनकी फिल्मों के साथ जुड़ी हुई होती है। लेकिन इसी के साथ साथ इस खबर में हम आपको बताते हैं आपके सुपरस्टार से जुड़ी पर्सनल लाइफ की जानकारी। और आज मैं आपके लिए जो खबर लेकर आई हूँ वो पहली खबर ही आपके होश उड़ा देगी। जी हाँ, आपके भोजपुरी के सुपरस्टार कह लीजिए, भोजपुरी या राजा कह लीजिए, हमारे पवन सिंह का आज शादी होने वाला है बरेली में। भाई, उनकी शादी की खबर तो वैसे कोई नई नहीं है कि सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, लेकिन उनके शादी की खबर इतनी जल्दी से वायरल हुई कि ये खबर भी छूटी लग रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं अब वो सच में हमारे भोजपुरी या राजा पवन सिंह शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। कौन है उनकी होने वाली वाइफ, क्या है उनका राज, सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको आगे। इसी के साथ साथ हमारी जो दूसरी खबर है वो हमारे देसी हीरो खेसारी लाल यादव के बारे में है। जी हाँ, जहां अभी हाल ही में उनका बैक टू बैक बहुत सारा होली का गाना रिलीज हुआ और वो सारे गाने उनके सुपर डुपर हिट साबित हुए। उन गानों की धुन अभी कानों से गई ही नहीं थी कि उनका फिर से एक नया एल्बम आने वाला है। कौन सा है उनका एल्बम, हम आपको बताएंगे अपने इस रिपोर्ट में, आपको जाते जाते बताएंगे। हमारी जो तीसरी खबर है वो हमारे जुबले स्टार यानी कि दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का है। दिनेश लाल यादव निरहुआ की फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है सौगंध, और ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार ओपनिंग के साथ इस फिल्म की कमाई शुरुआत हुई है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं निरहुआ के साथ मनी की जोड़ी सुपर डुपर हिट साबित हो रही है। कितनी है इस फिल्म की कमाई, हम बताएंगे अपनी रिपोर्ट में। इसी के साथ साथ हमारी जो चौथी खबर है वो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की मृगनैनी यानी कि अक्षरा सिंह को लेकर है। हर बार अक्षरा और पवन की जोड़ी की चर्चा बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन इस बार देखा गया कि पवन की शादी के बाद अक्षरा कहीं कमज़ोर ना पड़ जाए। लोगों को ऐसा लग रहा है, फैंस को बहुत ज़्यादा धक्का लगा है। क्या मानना है अक्षरा का, क्या कहना है हमारे भोजपुरी राजा पवन सिंह का, चलिए देखते हैं हमारी रिपोर्ट में। तो वहीं हमारी पाँचवीं और आखिरी खबर है, भोजपुरी के बेस्ट एक्टर होने के बाद, बेस्ट सिंगर होने के बाद अपने एक्टर की तरफ अपने कदम को बढ़ा चुके रितेश पांडे के। उनकी फिल्म गिरफ्तार की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। कौन है वो हसीना जिसके साथ वो इस समय इश्क फरमा रहे हैं, ये सारी रिपोर्ट बताते हैं। चलिए देखिए हमारी रिपोर्ट विस्तार से। भोजपुरी राजा पवन सिंह का हर बार उनकी शादी की खबर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है, लेकिन कई बार पवन सिंह की शादी की खबर गलत साबित हुई है। तो कई बार पवन सिंह की रील्स की शादी के बारे में बताया जाता था, लेकिन आज पवन सिंह की शादी से जुड़ी जो खबर सामने आई है वो खबर आप सभी के होश उड़ा देगी। जी हाँ, आज एक बार फिर से पवन की शादी की खबर वायरल हुई है, वो भी सबूत के साथ। आज सोशल मीडिया पर पवन सिंह की शादी को लेकर हिंदी के अखबार हिंदुस्तान में ये खबर छपी है कि आज पवन सिंह की शादी की तैयारियां बरेली में हो रही है। साथ ही पवन सिंह की शादी की सारी रस्मों की जानकारी भी दी गई है। और कुछ समय पहले खबर ये भी आई थी कि पवन सिंह की शादी 6 मार्च की होने वाली है, और आज से पवन सिंह की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी है। खैर, अब देखना ये होगा कि क्या पवन की शादी सच में हो रही है, और हो भी रही है तो वो किसके साथ। भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का इस बार होली का गाना पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मचा कर रख दिया था। तो वहीं अभी खेसारी का होली के गाने की धुन शांत भी नहीं हुई थी कि खेसारी का फिर से एक नया एल्बम रिलीज होने वाला है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर खेसारी ने अपने नए गाने का पोस्टर शेयर करते हुए बताया है कि वो बहुत जल्द एक नया एल्बम लेकर आ रहे हैं, जिस एल्बम का नाम है सैया अरब गई पार्ट 2। जी हाँ, इससे पहले हम आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव के इस गाने का पहला भाग पहले ही आ चुका है, जो दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद भी आया था। वैसे खेसारी ने उस गाने की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर अपने साथ काजल राघवानी की फोटो भी शेयर की है, जिस फोटो में खेसारी लाल यादव काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हैं, साथ में काजल राघवानी भी वहां मौजूद है। तो वहीं काजल राघवानी हर बार की तरह इस बार भी काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। पूर्वांचल टॉकीज के बैनर तले बनी फिल्म सौगंध को होली के अवसर पर पूरे भारत में एक साथ रिलीज किया गया। रिलीज के पहले ही दिन फिल्म को शानदार ओपनिंग मिली, जिसके चलते बिहार, झारखंड, दिल्ली, यूपी, मुंबई, गुजरात और नेपाल के लगभग
200 सिनेमा घरों में निरहुआ की सौगंध पहले ही दिन हाउसफुल रही। निरहुआ की हाल ही में रिलीज फिल्म सौगंध ना केवल दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रही, बल्कि दर्शकों में निरहुआ का इस फिल्म को लेकर के क्रेज साफ तौर पर देखा जा सकता है। बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन इस फिल्म को 25-30% की ओपनिंग मिलने की खबर है। होली पर रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले ही दिन अच्छी खासी कमाई भी कर ली है। निर्माता विकास कुमार और निर्देशक विशाल वर्मा की फिल्म सौगंध में जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ मणि भट्टाचार्य, कनक पांडे, दीपक दिलदार, विनोद मिश्रा, ब्रिजेश त्रिपाठी, किरण यादव, तेज बहादुर यादव, अनूप अरोड़ा, नवनीत जायसवाल, उमा शंकर मिश्रा, देव सिंह, संतोष पहलवान, संतोष श्रीवास्तव और अमित शुक्ला मुख्य भूमिका में है। भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी गायकी और अपने अभिनय का जलवा बिखेरने के साथ साथ पवन सिंह पर्सनल लाइफ की चर्चा भी बहुत हुई है और एक बार फिर से पवन अपनी शादी को लेकर चर्चा में आ चुके हैं। जिस तरह से पवन सिंह की शादी के बाद उनकी पत्नी उनकी जीवन साथी बन जाएगी, ठीक उसी तरीके से पवन सिंह की फिल्मी हमसफर, जी हाँ, फिल्म में उनकी हमेशा से हमसफर बन रही अक्षरा सिंह आज कहीं अकेली ना पड़ जाए। जी हाँ, आप सभी ने पवन और अक्षरा के प्यार की कहानी के बारे में कई बार पढ़ा और सुना है। उन्होंने लेकर के कई बार खबर ये भी बन चुकी है कि पवन और अक्षरा ने शादी कर ली है, लेकिन ये सारी खबरें फिल्मों में ही होती रही। लेकिन आज पवन सिंह की शादी की खबर सामने आई है और अक्षरा सिंह के साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ। जी हाँ, पवन की शादी अक्षरा से नहीं हो रही और इस खबर से ना जाने कितने ही पवन और अक्षरा के फैन को बुरा लगा होगा, क्योंकि जितने भी पवन अक्षरा के फैन हैं उन सभी लोगों की ये दिले ख्वाहिश थी कि पवन सिंह अक्षरा सिंह से शादी करें। बाई के फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाली भोजपुरी फिल्म गिरफ्तार की शूटिंग गुजरात के सिलवासा में शुरू हो गई है। जी हाँ, राकेश मिश्रा, रितेश पांडे, अंजना सिंह और पूनम दुबे स्टार्स फिल्म गिरफ्तार एक ऐसी कहानी पर बेस्ड फिल्म है जिसमें कानूनी दांवपेच के साथ साथ एक रोमांटिक जोड़ी भी दिखाई देने वाली है। जी हाँ, अक्सर फिल्म में पुलिस और अपराधी की कहानी लोग देखते हैं, मगर इस फिल्म में कानून के उन दांव पेच के बारे में पता चलेगा जिसमें लोगों की गिरफ्तारी होती है। वहीं फिल्म के पीआरओ संजय भूषण पटियाला ने बताया कि पिछले दिनों जब से इस फिल्म का मुहूर्त मुंबई में हुआ तब से इंडस्ट्री में इस फिल्म की चर्चा बनी हुई है। उन्होंने कहा कि भोजपुरी स्टार राकेश मिश्रा और रितेश पांडे इस फिल्म में नए आउटलुक में नजर आएंगे जो भोजपुरी दर्शकों को खूब लुभाएगा। वहीं उनके अपोजिट भोजपुरी की हॉट केक अदाकारा अंजना सिंह और पूनम दुबे को कास्ट किया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस की गर्मी बढ़ाने के लिए तैयार है। फिलहाल आज से इसकी शूटिंग रवि सिन्हा के निर्देशन में शुरू हो गया है, जो खुद में एक कमाल के निर्देशक है। तो देखा आपने कि किस तरीके से आपके भोजपुरी राजा पवन सिंह से लेकर रितेश पांडे तक सारी खबर से हमने आपको रूबरू करवाया है। ऐसे ही हम आपके लिए खबर लेते आएंगे ताकि आपके जो सुपरस्टार होते हैं, जिनके आप फैन हैं, जिन्हें आप तहे दिल से चाहते हैं, उनसे जुड़ी तमाम खबरें आप सभी तक हम पहुँचा सके और जल्द से जल्द कम समय में ज़्यादा खबरों से हम आप सभी को रूबरू करवाते हैं। फिलहाल के लिए टॉप 5 में इतना ही। आपको जाते जाते आपको इस प्रोग्राम से जुड़ी कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप हमारे प्रोग्राम में कमेंट बॉक्स के जरिए लिखकर बता सकते हैं, और कोई भी आपको सुपरस्टार से जुड़ी कोई बात कहनी हो, कोई दिल की बात शेयर करनी हो, वो भी आप हमारे प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। इसी के और हम कोशिश करेंगे कि आपको हम अपने आपके हर सवाल का जवाब आपको जल्द से जल्द दे सकें। इसी के साथ साथ आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा ये लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और तब तक के लिए भोजपुरी की तमाम खबरों को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें नेक्स्ट नाइन न्यूज़ भोजपुरिया, और सबसे पहले खबर को देखने के लिए, सबसे पहले खबर को जानने के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ भोजपुरिया को देखते रहिएगा। और कल मैं आपके सामने फिर से लेकर हाजिर होंगी आपका टॉप 5 खबर जो कि आपके सुपरस्टार और उनकी फिल्मों के साथ जुड़ा होगा। और मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। Yeah.
नेक्स्ट टुनाइट न्यूज़ भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।